भाभी की हालत बहुत खराब है। इस वक्त शायद आप दिलासा देंगे तो थोड़ी संभल जाएंगी। प्लीज बात करें भाभी से। भाभी, भाई से बात। आसिफ, आसिफ, मेरी अम्मी चली गई है। आसिफ आप क्यों नहीं आए? नेहम, मैं वो नेहा, नेहा, संभालने अपने आप को। ये क्या है मामा? फूल है, मैं निशा के लिए लेकर आई थी, तुम दे देना अपनी तरफ से। मैं ऑलरेडी आपके कहने पर बहुत अच्छा सा गिफ्ट दे चुका हूँ उसे। कोई बात नहीं, आज के दिन उसे फूल दोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। मामा प्लीज, शाम से लेके इस वक्त तक मैं आपकी मर्जी से गुजार रहा हूँ। अब मजीद ये ड्रामा मुझसे नहीं होगा। आई एम टायर्ड। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ राही, मैं बस पहुंचने वाला। इधर तो मुझे। ये क्या कर रही है मामा? हाँ राहिल बेटा, मैं साथ की अम्मी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम जानते हो ना बेटा कि साथ की शादी हो गई है। कल रात भी ये बहुत देर से आया था, इसकी दुल्हन इंतजार कर रही थी। आज तो छोड़ दो इसे, थोड़ा सा वक्त गुजारने दो ना अपनी नई दुल्हन के साथ। इसे तुम लोगों के साथ तो जिंदगी पड़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। मामा ये क्या कर? तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते। जानती हूँ मैं कि मुझसे गलती हो गई तुम्हारी शादी करा के, लेकिन तुम क्या चाहोगे कि निशा के घर वाले मेरी इंसल्ट करें? नहीं चाहोगे ना? मेरी खातिर थोड़ा सा टाइम अपनी बीवी को दे दो बेटा, मेरी खातिर। ओह माय गॉड, एक तो मामा आपकी ये इमोशनल बातें। खैर, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, ज्यादा देर नहीं चलेगा ये सब कुछ। संभाले अपने आप को भाभी, प्लीज अपने आप को संभाले। मेरी अम्मी का तकिया तकिया रह गया है। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो, थैंक यू। आपको पता है मुझे दो चीजें बहुत पसंद है। एक तो फूल और दूसरी
फूल और चौधरी का चांद। आपको पता है मुझे रातों को छत पे चढ़ के चांद देखते रहना बहुत अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल। अच्छा छोड़ो ये बात है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करें, हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में। बताओ कैसे गुजारना चाहती हो अपनी जिंदगी? आपके साथ। Are you serious, मेरी जान? सच पूछो तो मैं भी यही चाहता हूं। से बहुत गलत बात है। आज भैया को होना चाहिए था यहाँ पर। तुम्हें सही और गलत का बड़ा पता है हाँ? सिचुएशन ही ऐसी थी मॉम। अगर ऐसे मौके पर मेरा शौहर मेरे साथ नहीं होगा तो मैं तो शक्ल भी नहीं देखूंगी उसकी। तुम्हारा तो दिमाग वैसे ही खराब है। अच्छा उठो और जाके भाभी और बहन को बोलो कि तैयारी करें, घर चलना है हमने। मैं नहीं बोल रही उन्हें ये बात। अभी तो उनकी अम्मी की तस्वीर हुई है, कैसे जा सकती है वो? हो गई है ना, पूरी जिंदगी तो इस घर में नहीं रह सकते ना। जाओ बोलो कि जाना है हमने। मॉम रहने दो, तुमसे ये काम नहीं होगा, मैं ही जाके कह देती हूँ। ठीक है ना, सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। दफा हो जाओ सारे। बेटा ऐसे रोती रहोगी ना तो बीमार हो जाओगी। खुदा के वास्ते मेरी बात सुन लो, इधर रहोगी ना रात भर तो सर पे ये सब सवार रहेगा। तुम हमारे साथ घर चलो, वहाँ पे सुकून मिलेगा तुम्हें। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी अम्मी मुझे बुला रही थी, उन्हें लगता था तबीयत खराब हो रही होगी। वो मुझे छुपा रही थी, उन्होंने मुझे कहा था कि जरूर आना। शायद उनको लगता होगा कि आप मुझे क्यों नहीं लेके आई, मुझे मेरी अम्मी से मिलवाने। मैंने आपको कहा था, वो मुझे बुला रही थी। सुमन मेरी अम्मी को शायद पता होगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने मुझे कहा था जरूर आना। मेरी अम्मी ने मुझे कहा था, वो मुझे बार बार कह रही थी कि मुझसे मिलने आना। आप मुझे नहीं लेके आई। इस तरह रोती रहोगी ना तो अपनी माँ की रूह को तकलीफ दोगी। उनकी रूह को तकलीफ देना चाह रही हो? चलो घर चलो हमारे साथ, वहाँ से कौन सा रहना तुम? मामा प्लीज आप अंबर को लेके चली जाए, मैं भाभी को संभाल लूंगी, मैं इनके पास हूँ। क्या क्या फजूल बात कर रही हो, मैं तुम दोनों को अकेले छोड़ दूं यहाँ पे? ठीक है तो फिर आप अंबर के साथ दूसरे रूम में सो जाएं, मैं यहीं हूँ भाभी के साथ। भाभी प्लीज हिम्मत रखें, हौसला करें, आंटी की मोहब्बत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलाए। बस संभालें अपने आप को भाभी प्लीज, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कितनी गर्मी है यहाँ पे, हफ्सा हो रहा है। इस डिप्रेसिंग माहौल में तुम कैसे सो सकती हो पूरी रात यहाँ पे? एसी नहीं है, मुश्किल तो होगी लेकिन कोई बात नहीं, एक रात की बात है, जाके गुजार लूंगी। हाँ तुम्हारे हाथ में तो कोई मोबाइल फोन दे दे तो तुम कहीं भी वक्त गुजार सकती हो।
अच्छा मोबाइल दिख गया आपको मेरे हाथ में, इतनी देर से तस्वीर पड़ी थी वो नहीं दिखा? मेरी माँ ने तो आप भी कोई मेकअप ट्यूटोरियल देखे, लर्निंग की लर्निंग हो जाएगी और रात भी गुजर जाएगी। बकवास बातें करना तो तुमसे कोई सीखे ना, मैं बाहर जाके देखती हूँ शायद बेहतर माहौल है। तो बा, कितना मनहूस घर है, डिप्रेशन से भरा हुआ, रात कैसे गुजरेगी? तो मैं तो अपने घर जाना चाह रही हूँ, ये लड़कियां नहीं मान रही, कहाँ सोऊं मैं? तो उसकी माँ क्या मर गई, हमें मुसीबत में डाल गई है, बू कितनी आ रही है, सोफे पे लगा लूं क्या करूं, खिड़की खोल लेती हूँ। अंबर, अंबर, अंबर मेरी जान, क्या हुआ? कोई ख्वाब देखा? क्या हुआ मेरी जान? मुझे बताओ क्या? मैंने ख्वाब में डैड की डेथ देखी। तुम्हें याद है? तुम तो बहुत छोटी थी अंबर। सब कुछ ख्वाब जैसा याद है। तुम मॉम के पास रो रही थी, भाई डैड के पास रो रहे थे, मॉम के पास बैठे रोए जा रही थी। बहुत रश था शायद, हमारे पास तो बहुत लोग थे संभल, भाभी के पास तो कोई भी नहीं है, वो तो बिल्कुल अकेली है। हम है ना भाभी के पास, हम उन्हें हिम्मत देंगे, हौसला देंगे, दिलासा देंगे, चलो वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो, नहीं जी परेशान, बस आंटी। वालेकुम अस्सलाम, आओ मेरे पास बैठो। आंटी साथ कहाँ है? साथ बाहर से डेलीगेशन आया था, उनके साथ मीटिंग में गया है। मैं चली जाती उसके साथ, मैंने सोचा कि वो आराम कर ले, लेकिन उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा। कोई बात नहीं आंटी, साथ को ही जाना चाहिए था।
वैसे पता है नाश्ते के वक्त कह रहा था मैं निशा को जाके उठा देता हूँ, मैंने उसे मना किया, मैंने कहा निशा को आराम करने दो। आज वैसे तुम्हें अपने मैके जाना है ना, उन लोगों की फ्लाइट कल है ना? जी हाँ, वहाँ जाकर भी तुम उन लोगों की तैयारी में लग जाओगी, आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने उससे कहा उसे आराम करने दो। मैं भाई को बुला लेती, मुझे आके ले जाए। कोई जरूरत नहीं, उन्हें क्यों तकलीफ दे रही हो, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। जी ठीक है। अगर तुम लोग हमारे घर में रिश्ता लेकर आते हो तो इसमें हर्जी क्या है? अम्मा थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं। वो इस बात पे अड़ गई हैं कि रिश्ता सिर्फ लड़के वालों को ही लाना चाहिए। और अगर मैं अड़ गया तो? सुल्तान जिंदगी बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देती है अपने मोहब्बत को हासिल करने का। अगर आपकी असर से शादी हो गई तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। मेरी नहीं, तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बन जाएगी। जिस रास्ते पे तुम चल निकली हो उस पे चलते चलते कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। नेहा बेटा, रात से तुमने कुछ नहीं खाया? शाबाश। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, भूख नहीं लग रही, लेकिन मैंने भी चाय पी है, थोड़ी सी चाय पी लो। नहीं, नहीं पी जाएगी। बेटा बड़ों को इनकार नहीं करते, दो घूंट पी लो ना। शाबाश। सुमुर का पेपर था, उसको जाना पड़ा, और अंबर का भी कॉलेज था। देखो बेटा, मरने वाले के साथ ना जिंदगी नहीं रुकती, चलती रहती है। जिसने जाना था वो तो चली गई, मौत को तो कोई नहीं टाल सकता ना। तुम अगर सब्र से काम लोगी ना तो तुम्हारी माँ तुम्हारी ख्वाबों में आती रहेगी। ये रोना धोना बंद करो अब बेटा। एक काम करो, मेरे साथ घर चलो, मैं रानी से कहूंगी तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैंने भी काम पे जाना है, पार्लर पे बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं अभी, घर चलो मेरे साथ। नहीं अम्मी, आप चली जाएं, मैं यही रहूंगी, फरी आंटी मेरे साथ हैं। कितनी जिद्दी है ये लड़की। चलो ठीक है, फिलहाल मैं काम पे जाके आ जाती हूँ वापस, तुम संभालो अपने आप को, ठीक है ना? नीलो जी। बीबी जी, साद आज कितने बजे गया है? 4:30 बजे। मैम कल तक तो सब ठीक था, भाभी उनसे फोन पे बात भी कर रही थी, आज अचानक से क्या हो गया? क्या पता कौन कब चला जाए, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना। भाभी की तो बहुत बुरी हालत होगी। हाँ जाहिर है, उनकी अम्मी थी। मैम मुझे लगता है कि हमें ना भाभी से अयादत के लिए जाना चाहिए। नहीं नहीं, अभी तो उसका बहुत बुरा हाल है, 2-3 दिन रुक जाओ, अभी फिलहाल काम पे वापस चलो। कोई क्लाइंट ही नहीं है अभी। आ जाएंगे ना, वॉक इन्स आती हैं, तुम इंतजार कर लो ना। लेकिन मैम अगर आप आज पॉलर बंद कर देती तो? मैंने कहा ना काम पे वापस चलो, सब काम चोर हो गए हैं। अब ऐसी भी क्या कयामत आ जाती अगर एक दिन काम ना होता तो? Oh, 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 oh